एक पॉलिथीन है और थोड़ी हार्ड प्रोटीन है, देख सकते हो। मैं इसको चेक करा तो देखिए, यहाँ मैंने इसे लगाया और देखिए, मतलब भाई साहब रोल ही काट दी बिल्कुल। हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है समर्थ, तो मैं चार्ज नीचे उतार पहले। तो कौन बोला, आप बोले क्या? अपन बोला। ओहो, अरे भाई साहब बोलते भी हैं। अरे भाई साहब, आप तो बड़ी तमन्ना थी मुझे बात करने की, चलिए आज आपको इंटरव्यू ले लेते हैं। चलिए भाई बैठ जाते हैं, थोड़ा सा इंटरव्यू ले लेते हैं, पहले थोड़ा साइड हो जाओ। अरे अबे क्या कर रहा भाई साहब, माइक देना जरा। अरे पागल आदमी, हथौड़ी आई हूँ। अरे यू हथौड़ी ना, यू हथौड़ी जैसी लगे, ये माइक है माइक। चल झूठा। चलिए यार, अब ये बताइए कि सबसे पहला सवाल, जैसे कि आपकी कंडीशन लग रही है, आप नहाते क्यों ना हो? नहाला करो यार थोड़ा सा। अपन नहाता हूँ घी तेल। अच्छा अच्छा, ये बात है। चले भाई, आप तो नहाते घी तेल से लग रहा दिख रहा। तो कनस्तर जी, मुझे ये बता सकते हो आप कि जब आप समर एक्सपेरिमेंट चैनल पर आए थे पहली बार, तो आपको कैसा फील हुआ था? तेरे, अरे मेरी छोटी सी, कैसा लगा? नहीं मतलब मुझे भी बहुत अच्छा फील हुआ था। ठीक बात है। म्यूजिक। अब जैसे कि आपने देखा, मैंने काफी तीखे सवाल पूछे और इन्होंने काफी अच्छे से उनका जवाब दिया। बहुत समझदार बुद्धिमान लगते हैं मस्त कनस्तर जी। तो मैं इनसे पूछ रहा हूँ उनकी राय कि आगे फ्यूचर प्लान क्या है, मतलब आगे करना क्या चाहते हो भविष्य में। तो प्लीज हमारे दर्शकों को बताइए, आप आगे करना क्या चाहते हो? हाथ मत लगा दियो। ओह नो। सॉरी, मतलब क्या कहा आपने? काट कर रख दूंगा तो है। अच्छा, तेरे जमाला रख जाए, तेरा हथौड़ी रख जाए, अभी बता दे तेरा फ्यूचर। समर एक्सपेरिमेंट। तो भाई यहाँ पे मुझे चाहिए दो मस्त कनस्तर। एक बार ज्यादा एटीट्यूड था, मैंने सोचा कि एक ही जगह पे दो ही ले लेते हैं। तो फ्रेंड्स 15+15 का मुझे दो मार्केट से लेगा हलवाई की दुकान पे। इसमें इसकी कंडीशन कुछ ऐसी हो रही है मेरी तरह। तो फ्रेंड्स एक को तो फिलहाल हम साइड में रखते हैं मोहब्बत से। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए, ये जो पार्ट है ना, इस पार्ट को हम काट देते हैं चारों तरफ से, क्योंकि थोड़ा अलग टाइप का कूलर बनने वाला है। कनस्तर के ऊपर से 1.5 इंच का मैंने मार्क लगा दिया है, और उसके नीचे से, यानी कि जो मार्क है 1.5, उसके नीचे से 5 इंच का मार्क और लगा दिया है। ये फ्रेंड्स पार्ट में कट करने वाला हूँ चारों तरफ से। इसे काटने के लिए मैं एंगल ग्राइंडर का यूज कर रहा हूँ। आप चाहो तो फ्रेंड इस ब्लेड का भी यूज कर सकते हो, लेकिन काफी वक्त कंज्यूम करेगा, तो टाइम बचाने के लिए मशीन का यूज करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, ज्यादा एटीट्यूड का नतीजा देखिए, कटते ही सूसु करते हैं लौंडे ने। चलिए काम करते हैं। देखिए चार तरफ से ये कट चुका है, और इसी तरह इस कवर को भी हमें निकाल लेना है। अब इसे वॉश कर लेते हैं, जिसका जितना भी तेल है, ऑयल है, जितना भी घी भी है, सब चिपका पड़ा देख सकते हो। फटाफट वॉश करते हैं अच्छी तरीके से, काफी मेहनत लगने वाली है भाई। चलिए मैं तुरंत वॉश करके आपको दिखाता हूँ। तो बड़ी मेहनत लगी, मैं भी धो के माना भाई, भाई का नाम है धोने में। चलो फ्रेंड फटाफट अब इसकी नाले बनाते हैं, जहां से पानी नीचे गिरेगा। तो भाई गर्मी का मौसम आ चुका है, यानी कि एसी, कूलर और भी अप्लायंसेस को सपोर्ट करता हुआ एक इन्वर्टर और बैटरी की जरूरत होगी। तो अब इन चीजों की मार्केट में डिमांड होने वाली है, तो जो भी रिटेलर्स और डीलर्स भाई हैं, उनके लिए एक स्पेशल मैसेज है। तो एनर्जी और इलेक्ट्रिकल का सबसे बड़ा मार्केट प्लेस अब आपके हाथों में है, यानी कि लॉक द डील ऐप। इस पे आपके दुकान के लिए सारे प्रोडक्ट्स मिलते हैं, जैसे इन्वर्टर, बैटरीज, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस और भी बहुत कुछ। और बड़े ब्रांड्स वो भी एक छत के नीचे मिलेंगे, जैसे कि एक्साइड, ल्यूमिनस, लिपगार्ड, एमरॉन और भी। फ्रेंड्स स्लिपफर्स्ट ने लॉन्च किया है एक नई रेंज ऑफ एचकेवी इन्वर्टर, जो घर और कमर्शियल सेगमेंट के लिए सुटेबल है। ये इन्वर्टर आपके घर और शॉप के सारे हैवी अप्लायंसेस का लोड उठा सकता है, जैसे कि एसी, कूलर, ओवन, प्रिंटर, फ्रिज और भी। तो आप पहले स्टॉक में करके रख लीजिए, क्योंकि इनकी डिमांड काफी बढ़ने वाली है मार्केट में। किसी भी जानकारी के लिए, जैसे कि डील्स, ऑफर, डिस्काउंट, किसी भी चीज के लिए, आप इनके व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जो कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और फ्रेंड्स लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, तो जाकर विजिट कीजिए और इसे डाउनलोड कीजिए। तो भाई मैं यूज कर रहा हूँ 3 कनस्तर की शीट, देखिए। और ऐसे आपको 4 शीट चाहिए, क्योंकि यहाँ पर 4 नाले आपको बनानी पड़ेंगी। फिलहाल मैं आपको 1 नाले बना के दिखा देता हूँ। यहाँ पे 2 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर के मैंने 3 यहाँ पे गैप दे दिए और लाइन ड्रॉ कर दी सीधी सीधी। यहाँ से यहाँ तक की 16 सेंटीमीटर की दूरी है, यहाँ से यहाँ तक की।
कि मैंने तीन और बना दिया कि टोटली चार हो गई है। तो चलिए भाई इनमें फटाफट होल कर देते हैं इससे कि पानी नीचे को बहे। होल करने के लिए सुम्बे का यूज कर रहा हूँ। तो भाई सारे में होल हो गए, अब फटाफट इन्हें फिट करना पड़ा। तो फिट करना काफी ईजी है, इस तरीके से हाथ लगाइए और भाई मार्क लगा दीजिए। और इन्हें फिट करने के लिए मैं इन छोटे नन्हे मुन्ने नट बोल्ट का यूज कर रहा हूँ। तो देखिए गाइस चारों के चारों नाले बन चुकी हैं और फ्रेंड्स ज्यादा कूलिंग करेगा, चारों तरफ की हवा लेगा और आपको हवा अच्छी रहेगा। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, अब इसकी जाली पर आते हैं। यहाँ पर दोस्त मैं एल्युमिनियम नेट यूज करने वाला हूँ। आप तो फ्रेंड्स देखिए जो मच्छरदानी कहते हैं इसका भी यूज कर सकते, लेकिन भाई इसके जो दिख सकते डिब्बे खाने बहुत छोटे हैं, हवा ज्यादा अच्छी नहीं मिल पाएगी आपको। जितनी बड़ी फ्रेंड्स आप यूज करोगे जाली उतनी अच्छी हवा आपको मिलेगी और ठंडी हवा भी कूलर फेंकेगा, इसका हम यूज करने वाले हैं। और ऐसे मैंने चार जाली कटिंग कर ली है और ये 15x16 सेंटीमीटर की है, आपको इसकी मेजरमेंट बता दूं। अभी आप देख सकते हो कितना बुरा लग रहा है, देखिए मतलब तेल के निशान है जो कि छुटे भी नहीं है और देखिए इस पर जंग भी लग सकता है। फ्रेंड्स के थोड़े लाइफ बढ़ाने के लिए इस पर हम कलर कर सकते हैं। और देखिए यहाँ फ्रेंड नेट देख सकते हो, ये वैसे अच्छे लगे लेकिन थोड़ा और अच्छा लुक देने के लिए मैं सोचा फ्रेंड इन पर काला कर दूं और इस पर एल्युमिनियम कलर कर दूं। और इसके लाइफ बढ़ाने के लिए आप इसके अंदर भी कलर कर सकते हो। चलिए भाई ये सूख चुका, देखिए फ्रेंड्स मैट ब्लैक कलर है, क्या मस्त लग रहा है बाबा, देखिए चारों बहुत अच्छा कलर लग रहा है। अब चलिए फ्रेंड्स इनकी पॉकेट बनाते हैं। तो यहाँ पर भी मैंने चार पीस कट कर लिए हैं 24x17 सेंटीमीटर के ये, और अब इनके बनाते हैं पॉकेट। देखिए एक तरह की पॉकेट बन गई है, 2 सेंटीमीटर गहरा भी 2 सेंटीमीटर है। तो देखिए और ये इसके ऊपर इस तरह से लग जाएगा, देखिए दोस्त लग रही है ना बिल्कुल पॉकेट। तो चलिए भाई अब इस पॉकेट को फिट करते हैं। तो भाई देखिए अगर मैं इसे डायरेक्ट फिट कर देता हूँ तो फ्रेंड्स क्या होता है कि पानी इसके साथ बहेगा, देखिए नीचे बहेगा सारा में कीचड़ हो जाएगी, तो भाई उसका भी जुगाड़ उसका भी हमें सोचना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स आप उसके लिए मैं कुछ नट का यूज करने वाला हूँ, 4 नटों का। देखिए फ्रेंड्स मैंने एक पॉकेट बहुत अच्छे टाइट करके आपको दिखाई है और फ्रेंड्स पर मैंने किया क्या है, मतलब नया क्या किया, देखिए दोस्तों ये काफ़ी अंदर है। देखिए यहाँ पर मैंने एक नट बोल्ट लगाया, देखिए ये टाइट उसके ऊपर ही जाए लगाई है। तो देखिए कितना गैप है बीच में, देख सकते हो यहाँ पे कितना गैप है बीच में। इससे कहोगे जब ये पानी ऊपर से आएगा तो फ्रेंड्स पानी जो है ना नीचे चला जाएगा, बल्कि यहाँ नहीं गिरेगा, इससे टकरावा है नहीं, इसके नीचे है वो, तो पानी एक बूंद भी नीचे जमीन पर नहीं गिरेगा, सीधा किसी सार का सार इस कनस्तर के अंदर ही आएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स इसका टैंक बनकर तैयार हो गया है और लगभग 50% इसमें काम हो गया है। देखिए सारी पॉकेट इस तरह की लग चुकी हैं जिसके अंदर फ्रेंड्स आप आइस भर सकते हो, कोई भी घास फूस भर सकते हो, पानी डाल सकते हो। चलो फिर अब इसका सेकंड पार्ट पर आते हैं। तो वही रखते हैं साइड में और एक नया तो कह नहीं सकते पुराना कनस्तर खोल लेते हैं और इसे फटाफट कट कर देते हैं। इसे अब वॉश कर लेते हैं और इसकी पूरी की किनारी काट कर इसकी शीट बना लेते हैं। हाँ तो लो भाई वॉश कर दिया बहुत अच्छे तरीके से और इस बार मैंने बिहाइंड द सीन नहीं दिखाया वरना फ्रेंड्स मेरे बर्तन धोने के और डराने लगते हैं। चलिए दोस्तों फटाफट इसका हम ऊपर का ढक्कन बना लेते हैं, हम इसे ढक सकें। तो लीजिए फ्रेंड्स इसका ढक्कन बन चुका है और देखिए मैंने यहाँ से बैंड किया है, देखिए
यहाँ से अप्रोक्स हाफ इंच मैंने बैंड कैसे कि हाथ ना काटे, और देखिए इस जगह फ्रेंड लगा के मैंने मोड़ के यहाँ पे सोल्डिंग कर दिए सब जगह, जिससे कि भाई ढक्कन थोड़ा मजबूत हो जाए। और फ्रेंड्स मुझे लगता है कि वीडियो काफ़ी लंबी होती, इस मारे वीडियो को काफ़ी शॉर्ट करती, तो हमारे थोड़ी देर बने रहते। चले फ्रेंड पहले टेस्ट करते हैं, देखते हैं लगा के भाई ढक्कन कैसा बैठा है। वाओ देखिए ढक्कन की फिटिंग काफ़ी अच्छी बैठी है। और अब आते हैं इसके मेन काम पर, निकाल लेते हैं पहले खाली से। तो लीजिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो पीस मैंने कट कर लिए हैं, थोड़ा सा अलग डिजाइन में मैंने बनाया है इस कूलर को, देखते हैं भाई क्या होता है। ठीक है फ्रेंड्स 20 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर के इस तरह फ्रेंड्स मैंने दो पीस कट कर लिए हैं। और देखिए यहाँ पर मैंने हाफ इंच की लाइन ड्रॉ कर दी है, ऐसी सेम यहाँ कर दी है। इसे मुझे बैंड करनी है इसलिए मैं पहले इसमें होल कर देता हूँ। तो लीजिए ये इस तरह के बन चुके हैं। और भाई अब आते हैं कूलर के ऊपर, जो कुछ इस तरीके से लग जाएंगे, कुछ इस तरह का टेपर टैप रहेगा। इन दोनों को यहाँ पे टाइट करने से पहले मैं इन पे स्क्रू लगाने वाला हूँ। यहाँ से फ्रेंड्स मैं कटिंग कर दूँ जिससे कि ये हवा ले सके प्रोपेलर, तो पहले आके मैं कटिंग कर देता हूँ। यहाँ से मैंने ये ढक्कन कट कर दिया है, अब यहाँ से हवा लेने में बहुत आसानी रहेगी। और फ्रेंड्स यहाँ पे इन दोनों को हम स्क्रू की हेल्प से टाइट कर देंगे। तो लीजिए भाई ये हो गया तैयार। और अब आते फ्रेंड्स की ऊपर की प्लेट, यानी कि कवर कैसे करेंगे। कवर करने के पहले पहले शीट बना लिए, यहाँ पर ये शीट मैंने कट करके पहले बैंड कर लिया, इस तरह देख सकते हो। और जैसे भी आप मेजर करो उसके हिसाब से आप इसे बैंड करके बना सकते हो। देखिए क्या मस्त लग रहा बाबा अभी से ही। चलिए इसे मैं स्क्रू से टाइट कर देता हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स देखिए क्या मजबूत हो चुकी है, देखिए बिल्कुल फिक्स। काफ़ी सारे स्क्रू मैंने लगा दिए, आप चाहते इतना सोल्डिंग भी कर सकते हैं, काफ़ी सारा सोल्डर खराब जाता, अब इस आराम से इसे असेंबल और डिसेंबल कर सकते हो। तो भाई यहाँ तक तो हो चुका है कंप्लीट। चलिए फ्रेंड्स अब इसकी मोटर पाते हैं। मोटर बहुत सारी मिलती है मार्केट में, तो यहाँ पर काफ़ी सारी मोटर आप देख सकते हो। ये फ्रेंड्स ये दो मोटर 775 है, ये डबल शाफ्ट में है, ये सिंगल शाफ्ट में है, बैरिंग भी आती है बुश में भी आती है। तो फिलहाल ये 370 मोटर है, इसकी स्पीड भी काफ़ी अच्छी है। फिर भी दोस्तों हम यहाँ पे 550 मोटर लेंगे, जी हाँ 555 ही 550 है फ्रेंड्स के, बहुत हाई आरपीएम होते हैं। देखिए 550 है और 12 वोल्ट की डीसी मोटर, यानी कि 12 वोल्ट ही देना होगा। और एक प्रोपेलर ले रहा हूँ, और प्रोपेलर आप जैसी मर्जी ले सकते हो। क्या कहा छोटी है फ्रेंड्स, यकीन मानिए हवा इतनी फास्ट है इसकी, मैं आपको बिल्कुल चेक करके दिखाऊंगा। और मैं इस विषय लगाता हूँ, देखिए एक मैंने फ्रेंड्स धुम्बा उठा देगी, हल्ले काट देगी, और अभी आपको वीडियो पता लग जाएगी। इस मोटर को होल्ड करने के लिए मैंने एक ये लोहे की पत्ती कट कर ली है, और ये कनस्ते की पत्ती नहीं है क्योंकि फ्रेंड्स का बहुत हाई टॉर्क है, आरपीएम बहुत ज़्यादा है, टॉर्क भी बहुत हाई है। तो देखिए ये थोड़ी हैवी है, अगर आप चाहे तो फ्रेंड्स की बना सकते हैं, लेकिन काफ़ी आवाज़ करेगी, तो मैं इस पर लगा दूंगा। तो लीजिए फ्रेंड्स ये बनकर तैयार हो गया, और मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए ये आपको कैसा लग रहा है। बिल्कुल अजीब कूलर लग रहा है, और अब इसके आगे मैं जाली भी लगाऊंगा। फिलहाल हम इसके जो पानी का पंप है उस पर आते हैं, जो फ्रेंड्स पानी आता खींचेगा उसमें हम क्या लगाने वाले हैं। इसके खास बात है कि फ्रेंड्स आप इसे यहाँ से निकाल सकते हो, देखिए थोड़ा टाइट इसलिए कराएं जिससे भाई ये चलते में हिले नहीं, ज़्यादा टाइट हो गया। हाँ देखिए यहाँ से ये अलग हो चुका है और ये पार्ट अलग हो चुका है। चलिए अब पंप पर आते हैं। अब यहाँ पर मैं एक 12 वोल्ट का समर सेल पंप यूज करने वाला हूँ। फ्रेंड देखिए यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि भाई यहाँ पे देखिए ये चार नाले हैं, और दोस्त ये सिर्फ एक जगह पानी फेंक सकता है। फ्रेंड्स पानी काफी अच्छा है, इसका 12 वोल्ट पे ये भी चलता है। तो चलिए फ्रेंड्स का भी जुगाड़ करते हैं। तो यहाँ पर मैंने कुछ स्केच ले लिए हैं, देख सकते हो फ्रेंड्स कलर का कोई मैटर नहीं करता, आपको एक या दो रुपए का मार्केट मिलता है। हमें इसके सिर्फ पाइप चीज की हमें बॉडी बॉडी चाहिए बस। तो देखिए ये इसकी बॉडी होगी, सिर्फ पाइप का काम करेगा, हमें ऐसे सिर्फ दो पाइप चाहिएंगे, यानी कि दो इसकी बॉडी चाहिएंगी। एक को तो मैं ऐसे ही रहने दूंगा, और इसके फ्रेंड्स मैं तीन पार्ट करने वाला हूं। दो सौ बीस नंबर का मैं एक स्टैंड पे ले रहा हूं, और इसे इसकी बॉडी पर इस तरह से करूंगा। तो देखिए ये तीनों इस शेप में बन चुके हैं,
सिलेंडर शेप में, वो देखिए आराम से इसमें बिल्कुल फिक्स हो जाएंगे। ये रहा, अब फटाफट भाई इनमें होल कर देते हैं। तो फ्रेंड्स ये बन चुकी है बांसुरी, आप इसका बांसुरी भी बजा सकते हो, वैसे मैंने मुंह से बजाई थी। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पर एक प्रॉब्लम है, जो स्टरबुलिया सुपर ग्लू होती है वो पानी में हट जाती है, बेकार हो जाती है। तो भाई ये जो तीन हो ना, ये इस तरीके से फ्रेंड्स तैरते हुए जाएंगे भाई टैंक में, तो भाई इनको परम लगाएंगे एमसील। फ्रेंड्स यहाँ पर एमसील का यूज करेंगे, इनकी जगह तीनों में एमसील लगा देंगे जिससे कि थोड़ा परमानेंट हो जाएंगे। तो लीजिए फ्रेंड्स इन तीनों को मैंने चड्डी पहना दिया है, कमाले मतलब बिल्कुल चड्डी ऐसा लग रहा है। तो चलिए दोस्तों इन्हें सूखने के लिए रख देते हैं, कम से कम आधा घंटा तो नहीं लगेगा, इतने कुछ और काम करते हैं। तो भैया पहले इसकी मुंडी का काम करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर दो स्विच देख सकते हो, एसपीएस राउंड में, और एक पंप का रहेगा और एक मोटर का रहेगा फैन का, जो कि फैन के लिए रहेगा। और क्योंकि इसकी स्पीड बहुत ज्यादा है, ये कि मैंने बहुत ज्यादा स्पीड है, तो फिर स्पीड कंट्रोल करनी है, स्पीड कंट्रोल को भी यूज करूँ जो कि 10 एम्पीयर का है। फटाफट इन्हें इस साइड या इस साइड जहां मर्जी आप फिट कर सकते हो। तो लीजिए भाई होल हो चुके हैं, और देखिए बहुत ही अच्छी तरह से ये फिक्स आ जाएंगी, लेकिन मैं इसे अभी नहीं लगाने वाला। चले फ्रेंड्स अब मैं सोच रहा हूँ भाई इस पर भी कलर कर दें जो कि काफ़ी अच्छा लुक दे। तो लीजिए फ्रेंड्स क्या चमक रहा है, देखिए काफ़ी अच्छा कलर लग रहा है, एक विंडो टाइप का, वेंटिलेटर टाइप का। तो अब आते हैं इसकी घास पर, हम इसमें क्या लगाएंगे। तो फ्रेंड्स वैसे काफी सारी चीज आते हैं, बिल्कुल सस्ता जुगाड़ है। तो भाई जो गेहूं मसीने के लिए होते हैं वो आप लगा सकते हो, जो वेस्ट जाते हैं भूसा टाइप का। लेकिन फ्रेंड्स हम दूसरा तरीका अपनाएंगे क्योंकि वो ज्यादा कामयाब नहीं है और ज्यादा कूलिंग नहीं करती। तो भाई मैं लेकर आऊँ ये घास जो कि कूलर में लगती है, और फ्रेंड्स आप चाहे तो हनीकॉम्ब ला सकते हैं, वो और भी अच्छा काम करेगा। फिलहाल तो मैं इसकी चड्डी से फाड़ देता हूँ, और देखिए कितनी सारी यहाँ पर घास दी गई। ये फ्रेंड्स पानी सोख लेती है और बहुत देर तक कूलिंग रहती है, काफ़ी अच्छी हवा हमें प्रोवाइड करेगा, वो भी कूलिंग ठंडी ठंडी। तो यहाँ से इसे करना और इसे बस ऐसे करा दीजिए अंदर को, ऐसे निकालिए। और फ्रेंड्स ये मैं छोटे वाले कराऊँ, बड़े भी आते हैं, बहुत छोटे साइज के भी आते हैं, तो मैं छोटे वाले कर आया हूँ। तो लीजिए फ्रेंड्स चार तो अब लग चुकी है, देखिए काफ़ी अच्छी लग रही है और बहुत अच्छी कूलिंग करेगी। और पूरा एक तो छोटे वाले पैक दिखाया था, सिर्फ एक पूरा लग गया है, और इसका मैं धागा निकाल के पजामा सिलाऊंगा। तो भाई ये तो हो गया कंप्लीट। अब आते हैं फ्रेंड्स की पंप की फिटिंग पर। तो भाई ये भी सूख चुका है जो हमने बनाया था, देख सकते हो काफी सॉलिड हो गया है। चले फ्रेंड्स पाइप की फिटिंग करते हैं, और यहाँ पर मैं ये वाला पाइप यूज करने वाला हूँ, ये आपको हार्डवेयर शॉप पे मिल जाएगा, जो राज मिस्त्री होते हैं चेन्नई वाले, जहाँ से वो साबुन मिलता है कन्नी चेन्नई वगैरह। तो फ्रेंड्स वहाँ से आपको बहुत ईजी सस्ते रेट मिल जाएगा। बाई चांस ऐसा होता है कि फ्रेंड्स ये आ नहीं पाता है, तो मैंने थोड़ा हीट किया है तभी आ जाएगा। तो लीजिए फ्रेंड्स ये बन चुका है, और देखिए काफी अच्छा भी लग रहा है, और देखिए चार पाइप हैं जो कि चारों विंडो में जाके कनेक्ट हो जाएंगे, और फ्रेंड्स इसे हम पानी में डाल देंगे, और ये 12 वोल्ट देंगे इसे, क्योंकि ये पंप पानी में डूबा रहेगा। तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ पर सोच छोटे ढोको के पानी के अंदर है, तो भाई हम इस पर अच्छे से ग्लू गन लगा लेंगे। आप चाहे तो फ्रेंड्स इसे पानी में ना डुबाएं, सीधा पानी के अंदर ना डालें, इसे सीधे एक पाइप लें हाफ इंच का लग जाएगा, और पानी के अंदर डाल दें जो इनलेट हो जाएगा, और इसके सीधा आउटलेट जाएगा, ये पंप भी आपका बचा रहेगा और कनेक्शन भी बचेंगे। फिलहाल मैं यहाँ पर ग्लू गन का यूज़ कर रहा हूँ जिससे कि यहाँ पर टच ना हो। तो चलिए फ्रेंड्स अब मैं सारी टोटल इसकी फिटिंग कर देता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ, वीडियो बहुत ही लंबी हो चुकी है। और दोस्त पावर देने के लिए देखिए यहाँ पे मैं डीसी सॉकेट का यूज करने वाला हूँ, जो कि फ्रेंड्स मैं इसे यहाँ पे फिट करने वाला हूँ इसकी बैक साइड में। तो कनेक्शन सारे कर दिए, देखिए फ्रेंड्स कनेक्शन बहुत ईजी है, बस आपको स्विच में देना है, एक स्विच देख सकते हो फ्रेंड्स, ये पंप का होगा ऊपर वाला, नीचे वाला फैन का होगा, और ये फैन की स्पीड कंट्रोलर हो गया। बहुत आसान है, इस पर ऑलरेडी सब कुछ लिखा रहता है, प्लस माइनस और इनपुट और आउटपुट सब लिखा रहता है। देखिए फ्रेंड्स अब इसे सीधा इसके अंदर डाल देंगे, लेकिन अभी इनको भी हमें मैनेज करना होगा। तो देखिए गाइस चारों पाइप मैंने लगा दिए, देखो एक दो तीन और चार, तो चारों पॉइंट्स मैंने वायर से रोक दिए जो कहीं भागे नहीं, और पंप इसके अंदर है, और ये भी ऊपर रखा है, इसलिए थोड़ा सा पंप देखा पंप नीचे आ जाएगा और बहुत अच्छे तरीके से बिल्कुल फिट बैठेगा। तो लीजिए फ्रेंड्स ये बन चुका है, लेकिन लेकिन अभी इसमें एक कमी है, यहाँ फ्रेंड्स जाली लगनी रह गई है जिससे दोस्तों कोई बच्चा हाथ न डाले और सेफ रहे। और ये एल्युमिनियम की नेट है जो फ्रेंड्स मैंने यहाँ लगाई थी जाली, वो ये मैंने इस पर काला कलर कर दिया जो काफी अच्छा लग रहा है, मैट ब्लैक, और मैं इसे यहाँ लगा दूंगा। तो लीजिए फ्रेंड्स हमारा एसी कूलर बन चुका है। फ्रेंड्स प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए आपको कैसा लग रहा है इसका डिजाइन, इसका लुक। देखिए आपको सब तरह से दिखाना चाहूंगा, देखिए
तो चलिए फ्रेंड्स अब फटाफट इसकी टेस्टिंग करते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मेरी होममेड बैटरी है, 12 वोल्ट की है और मैं आपको एक बार टेस्ट करके दिखाता हूँ, क्योंकि फ्रेंड्स काफी लोग कहते हैं समर तू ज्यादा वोल्टेज दे रहा है, हमारे फास्ट चल रहा है। देखिए 11.55, देखिए फ्रेंड्स मतलब कि 11.5 वोल्ट है, पूरे 12 वोल्ट पे नहीं है। और ये लिथियम आयन बैटरी है जो कि फ्रेंड्स लैपटॉप की बैटरी होती है वो वाली बैटरी है। तो चलो फ्रेंड्स फटाफट अब इसको लगाते हैं पीछे जैक पे। देखिए जैक है और भाई तरह यार काफ़ी गर्मी लग रही है भाई, मैं आ जाता हूँ आगे और देखते हैं क्या होता है। सबसे पहले फ्रेंड्स मैं आपको जो वाटर पंप है वो चला के दिखाता हूँ। देखिए ऊपर का है, देखिए ठीक है आवाज़ आ रही होगी आपको, वो अच्छा काम कर रहा है। अब फ्रेंड इसका जो मोटर है जो फैन वाला है वो चलाते हैं। तो भाई नीचे वाला खोलेंगे ठीक है, वो स्पीड कंट्रोल है इसकी स्पीड, हम ऐसे खोलेंगे देखिए चल रहा है ठीक है, काफ़ी कम चल रहा है अभी नहीं। देखिए क्या देखिए फ्रेंड्स क्या फाल स्पीड है भाई, देखिए देखिए मतलब बहुत ही ज़्यादा फास्ट स्पीड है, क्योंकि फ्रेंड्स ये 550 मोटर है, बहुत अच्छे आदमी टॉक होता है इसका। तो ये एक पॉलिथीन है और थोड़ी हार्ड पॉलिथीन है, देख सकते हो मैं इसको चेक करा तो देखिए यहाँ मैंने इसे लगाया और देखिए मतलब भाई साहब रोल ही काट दी बिल्कुल। चलिए फ्रेंड्स काफी लोग मुझसे समझ तो पॉलिथीन है भाई उड़ा देगा, चलिए दोस्तों थोड़ा सा क्लॉथ थोड़ा सा कपड़ा उड़ा के देखते हैं। तो भाई ये है एक कपड़ा, देखिए यहाँ मैं इसे लगाता हूँ, देखिए लंबे की तरफ से लगा रहा हूँ थोड़ा आगे तक उड़े, देखिए अब आप इसकी हवा का अंदाजा खुद ही लगा सकते हैं कितनी अच्छी है, कितनी दूर तक हवा दे सकता है। देखिए तो यार हवा तो काफी तेज है दोस्त। और फ्रेंड इसका ये फायदा देखिए आपकी स्पीड कंट्रोल देखिए कम या ज्यादा कर सकते हो, ये काफी अच्छी बात है। तो चलिए फ्रेंड्स अब इसके अंदर पानी डालते हैं और जिसका मेन मकसद है वो आपको दिखाते हैं। तो भाई पानी डालने के लिए या तो आप इसे खोल सकते हो, लेकिन खोलना क्यों, आप साइड में से चारों तरफ आप देखते हो विंडो है, आप कहीं से पानी डाल सकते हो। और अभी तो सिर्फ मैं इसके अंदर इतना पानी डाल रहा हूँ फ्रेंड जिससे कि हमारा मोटर डूब जाए और पानी दे सके। तो भाई मैं लेकर आऊँ इसे अंदर क्योंकि बाहर मैंने पानी भरा था। दोबारा लगाते हैं प्लग और आप चेक करते हैं, देखिए पानी आ रहा है, देखिए फ्रेंड्स आप आवाज़ सुन सकते हो देखिए, और देखिए एक सिंगल बूंद भी पानी देखिए नीचे नहीं आ रहा, देखिए देख सकते हो, देखिए फ्रेंड देख सारी विंडो में देखो पानी आ रहा है, देखिए देखिए यानी कि एक बूंद भी देखिए नीचे देख सकते फ्रेंड्स, यहाँ एक बूंद भी पानी नहीं गिर रहा और बहुत अच्छी तरीके से बिल्कुल साफ है। आवाज़ आप इसकी सुन ही सकते हो। और चलिए आपको इसे ओपन करके दिखाता हूँ, अगर ओपन हो जाए तो, एक थोड़ा मैंने हार्ड लगाया था, देखिए देखिए फ्रेंड्स पानी कैसे भर रहा है, देखिए पानी चल रहा है और बहुत अच्छी तरीके से सारे में गिर भी रहा है। तो मैं लगा देता हूँ और अब मैं चलाता हूँ भाई, देखिए देखिए और भाई साहब क्या मस्त आ रही है फ्रेंड्स, चिक्की मानी बहुत ही ज़्यादा ठंडी हवा आ रही है, मैं इसे कम कर देता हूँ देखिए। और यार आप भी हवा खाइए, देखिए आप भी ये देखिए फ्रेंड्स मुझे बताइएगा प्लीज़ कमेंट करके हवा कैसी लग रही है, देखिए मतलब मज़ा आया होगा 100%। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं कितनी हवा लगी और आपके पसीने सूखे या नहीं सूखे। देखिए मोटर चल रहा है, पंप चलाता हूँ, मतलब भाई साहब मज़े ही आ गए। और फ्रेंड्स ये आपको हवा देखिए मतलब हवा इतनी ज़्यादा इसलिए दे रहा है, मोटर पंप बंद कर देता हूँ, हवा इसलिए ज़्यादा अच्छी दे रहा है फ्रेंड देखिए क्योंकि 4 वेंटिलेटर है, देखिए 4 इसकी विंडो बहुत अच्छी तरह से हवा ले रहा है और बिल्कुल अच्छी हवा बिल्कुल ठंडी हवा एसी से आपको हवा दे रहा है। फ्रेंड्स आई होप ये वीडियो ये जुगाड़ आपको काफ़ी अच्छा लगा दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मुझे जो पता ये वीडियो आपको कैसे लगी और आपको हवा कैसे लगी अल्लाह करी होगी। थैंक यू सो मच दोस्तों, जल्दी मिलते हैं, बाय बाय।